हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हैप्पी दशहरा। आई विश आपको खूब सारी ढेर सारी खुशियाँ मिले। मेरे यूट्यूब के परिवार को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने ये हैंगिंग लैम्प बनाया हुआ था जो कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ लखनऊ में बहुत बारिश हो रही है तो ये थोड़ा सा रह गया है, इसलिए मैं दूसरा लेके आई हूँ। तो ये गत्ता देख रहे हैं आप, इस पर मैं शुभ दिवाली लिखूँगी। मैं मार्केट गई हुई थी, वहाँ पर हल्दी मेहंदी से रिलेटेड ऐसे लिखे हुए बड़े सुंदर से तोरण बने हुए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने बनाए हुए। एक गत्ता लेंगे और गत्ते पर शुभ दिवाली लिख के उसको सिंपली बराबर काट लेना है। कोई देखिए मैंने जैसे काट रखा है ना, सिंपली काटना है। उस पर मैंने कलर किया हुआ व्हाइट कलर किया है, क्योंकि व्हाइट कलर करेंगे तो इसके ऊपर से जो दूसरा कलर करेंगे वो सेट हो जाएगा। और मैं कहाँ ब्रश से करूँगी, इसलिए मैंने सीधा उड़ेल करके हाथ से ही कर लिया। अब इसको व्हाइट कलर पूरे में कर दूँगी, जैसे सूख जाएगा। सूखने के बाद मैंने इस पर ब्लू कलर करना शुरू किया। देखिए ब्लू कलर करूँगी और ब्लू कलर जब सूख जाएगा तब फिर इसमें मैं लिखना शुरू करूँगी। तो आप अगर आपको पसंद आए तो अभी बनाइएगा, ये बहुत सुंदर लगेगा। कि हम पहले कितना लिख के दरवाजे पे टांग देते हैं। तो ये पॉम पॉम है, ये कभी भी मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा आसानी से। एक 20 रुपये का एक पैकेट मिलता है, 6 पैकेट मैंने इस पर यूज़ किए हुए हैं। तो मैं रेड पॉम पॉम से मैं लाइन बनाऊंगी ऊपर की, जैसे हम कुछ लिखते हैं तो ऊपर की लाइन बनाते हैं। तो मैंने हॉट गन का इसमें प्रयोग किया हुआ है, हॉट गन से मैंने पूरे में लाइन बना दी है, उसके ऊपर मैंने पॉम पॉम चिपका दिए हैं। ये पॉम पॉम ऊन ऊन के बने हैं, जो लोग घर पे भी बना लेते हैं। आप चाहो घर पे बना लो, ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप देखो मैंने जो मर्जी आप उस कलर के बना सकते हो, मैंने येलो रेड और ग्रीन का बनाया हुआ है। तो ऐसे मैंने शुभ लाभ लिखना शुरू कर दिया है और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इजीली आप गत्ता है, पॉम पॉम है और गम है, आप फेविकोल कुछ भी यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हॉट गन या फेविकिफी का इस्तेमाल करें, आप गम का कोई भी गम यूज कर सकते हो। तो देखिए मैंने ग्रीन और येलो से शुभ लाभ लिख दिया है, सॉरी शुभ दीपावली लिख दिया है। तो इसके बाद मैं इसमें नीचे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे बाहर दरवाजे में दोनों तरफ से दरवाज़ा खुलता है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो मैं लटकने वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो दरवाज़ा जैसे भी बंद करो तो वो नहीं बंद होता, और लटकने वाली चीज़ मैं नहीं लगा सकती अपने दरवाजे पे, इसलिए मुझे बाहर के दरवाजे में लगाना है। तो मैं ऐसा तोरण बनाऊंगी जो फंसे ना दरवाजे पे। तो मैंने सिंपली जो ब्लाउज की लेस होती हैं जो साड़ी वगैरह में लगती हैं, वो बची हुई एक्स्ट्रा पड़ी थी तो वो मैंने लगा दी है। इसके बाद कुछ जो मिरर थे तो मैंने उसके ऊपर मिरर लगा दिया है, आप इसमें देख ही रहे होंगे। तो ऐसे मैंने लगा के सिंपल सा बना लिया है। और जो हॉट गन से मैंने पीछे एक चाबी का छल्ला था तो उसको सेट कर दिया है टांगने के लिए, या आप धागे से या आप स्टैंड जो छोटे छोटे से आते हैं टांगने के लिए, या तो आप धागा भी लगा सकते हो तो सेट कर सकते हो कैसे भी। और ये देखिए आप चाहें तो ऐसे ये तोरण आते हैं ना, तो छल्ले तोरण बनाने के, तो आप वो भी इजीली ला के मार्केट से लगा सकते हो। 10 रुपये का एक ये है, कमल का है 20 रुपये का, तो आप लगा सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। और मैं आपको कल ये लैंप का वीडियो लेके डालूँगी। ओके बाय, थैंक यू।